इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल चल रही है मदीने शरीफ से। अब जो जो सवार होना चाहता है वो सवार हो जाए। इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल। बैठ मार हला वाले और बैठ बरेले वाले हैं, चाहे तुर्कनिया वाले हो चाहे फरीदपुर वाले हो, लेकिन बैठने की अनुमति सबको है, क्योंकि इश्क नबी की रेल है। क्योंकि यहाँ जो बिक जाता है उसके दाम बढ़ जाते हैं। शायर कहता है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो बैठे मार हला वाले और बैठे बरेली वाले पे, बैठे बरेली वाले पे, बैठे कचौचा वाले और हाँ बैठे बदायूं वाले पे, बैठे बदायूं वाले पे। इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल। जुमा के जुमा पढ़ने वालों जी, इसमें जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, जो लोग जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए शेर मैंने कहा इस्तेमाल फरमाए। जुमे की जुमा पढ़ने वालों बात समझ लो आका की, बात समझ लो आका की, फर्ज नमाजें छोड़ के अपनी क्यों करते हो बर्बादी, क्यों करते हो बर्बादी। इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल में जब सवार हो गए तो नमाज भी पढ़ना पड़ेगी, रोजा भी रखना पड़ेगा, हज भी करना पड़ेगा और जकात भी देना पड़ेगा। तो मुसलमानों सवार हो जाओ, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे देख रहे हैं जिन्नात पड़ा, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुने मौलवी साहब, असगर अकबर टिकट कलेक्टर, पल्ले पड़े असगर अकबर टिकट कलेक्टर, कासिम मोहर की सवारी है। जिंदाबाद असगर अकबर टिकट कलेक्टर, कासिम मोहर की सवारी है। पंचतन के डिब्बे इसमें, पंचतन के डिब्बे इसमें, पंचतन की गाड़ी है, पंचतन की गाड़ी है। भूल के नजदीक बैठ न जाना, भूल के नजदीक बैठ न जाना, भूल के नजदीक इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल, इश्क नबी की रेल है ये, इश्क नबी की रेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस सरजमीने सरनी तुर्कुनिया नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। कलाम के चार शेर बाकी थे लेकिन मैंने मोबाइल जेब में रख दिया क्योंकि मुझे परवेज की फरमाइश पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत करता है तो मुझसे परवेज मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन परवेज की मोहब्बत अलग है। मैं उसकी मोहब्बत का एहतराम करते हुए उसकी फरमाइश जरूर पढ़ूंगा।